Now we are starting question number 13, exercise 13.1, probability chapter है, काफी easy sum है, एक दो बार ये board में इस type का sum आया भी हुआ है, थोड़ा सा आसानी से समझेंगे। देखिए हमारे पास है कि एक instructor है, उसने एक आपको sample paper question bank बनाकर दिया है, जिसमें 300 easy true false है, तो true false आपके पास है और MCQ multiple choice question वो आपको दे रहा है, ठीक है? अच्छा easy कितने हैं? देख लेते हैं। Easy आपके पास है, true false कितने हैं? 300, ठीक है? और 200 difficult है, difficult भी यहाँ पर आप लिख लीजिए, 200 यहाँ पर आपके पास difficult है, यानी true false 300 तो आसान है और 200 आपके hard है। ऐसे जो multiple choice question है, 500 तो easy है, 500 यहाँ पर easy है and 400 difficult है, यहाँ पर 400 आप difficult कर लीजिए, ठीक है? अब इसका जरा total ले लीजिए, आपने brother जब total लिया यहाँ पर ये लीजिए सर, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास टोटल आ गया है, दैट इज ये हो गया है कितना 500, ये हो गया है 900, यहाँ पर टोटल कितना हो गया सैंपल पॉइंट 500, 900, 1400, आप इधर से भी टोटल कर लीजिए 800 और 600, ठीक है? आप इधर से भी टोटल करेंगे 1400, इधर से भी 1400, यहाँ पर भी ये टोटल, बात समझ रहे हैं? हमने इस तरह से इसको समझने के लिए एक टेबल में, एक शेड्यूल में फिट कर लिया है। ट्रू फॉल्स इजी 300, हार्ड 200, ऐसे ही एमसीक्यूज 500 इजी, 400 हार्ड। अब आते हैं, इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द टेस्ट बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ इजी क्वेश्चन? तो ए इवेंट है कि आपका जो सम है वो इजी होगा, तो इजी सम आपके पास टोटल कितने हैं? देखिए सर 800, इजी सम आपके पास 800 है, तो हमने यहां पर लिख लिया है 800 अपॉन में टोटल कितना है 1400, तो आप यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख लीजिए और दैट इज 1800 अपॉन में 1400, बात आ रही है समझ में? अगला, और गिवन क्या है? गिवन इट इज एमसीक्यू, तो एमसीक्यू को आप बी इवेंट मान के प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, और एमसीक्यूज आपके पास कितने हैं? और एमसीक्यूज में आपके पास जो इजी थे यहां पर, और दैट हमारे पास एमसीक्यूज कितने हो गए? एमसीक्यूज है हमारे पास 900 अपॉन में 1400, ठीक है? अगर आप प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो आपके पास जो इजी भी हो, इजी भी हो और क्या हो, एमसीक्यूज भी हो, वो आपके पास क्या बैठेगा? 500, 500 इजी भी है, एमसीक्यूज भी है, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन बैठेगा, तो यहां पर कितना आ गया है 500 अपॉन में 1400। हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना है 500 अपॉन में 1400 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी कितना गिवन है 900 अपॉन में 1400, तो आप 1400 से 1400 काट लीजिए, दो जीरो से दो जीरो काटोगे दोस्तों, 5 अपॉन में 9, ये आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रहेगी। इस सम को अगर हम इस तरह से समझें तो ये काफी आसानी से और जल्दी से समझ में आ जाता है। अगर ऐसा आपको लगा है कि ये सम अच्छे से समझ में आया तो हमें लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, थैंक यू।